हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की वीडियो में लेके आ गए हैं आप लोग के लिए काफी अच्छी रिक्रूटमेंट। फाइनली यहां पर ईवाई की ऑफिशियल ऑफ कैंपस हायरिंग अनाउंस हो चुकी है आप लोगों के लिए गाइस, और यहां पर रोल रहने वाला एसोसिएट एनालिस्ट का। इसके अलावा ओरेकल ईवाई सेल भी आप लोग के लिए अर्जेंट हायरिंग रिक्रूटमेंट कर रही है, तो वीडियो को आप लोग जो है इन तक जरूर देखना। सैलरी काफी अच्छा रहने वाला है आप लोग के लिए, और जितनी भी आपको मैं कंपनी के बारे में बताऊंगा सभी का ही मैं आपको डायरेक्ट लिंक देने वाला हूँ अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। सोचिए फिर करते वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ईवाई की ऑफिशियल हायरिंग आप लोगों के लिए अनाउंस हो चुकी है फॉर द रोल ऑफ एसोसिएट एनालिस्ट। डेफिनेटली आपके पास टेस्ट ईमेल देखने को मिलेंगे। मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है ईवाई के ऊपर में, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना होता है, कितने राउंड्स होते हैं, प्रिपरेशन रिसोर्सेस, मैंने सभी के ऊपर में डिटेल वीडियो बना रखा। बस यूट्यूब पर आपको सर्च करना है पप्पू करियर गाइड ईवाई एग्जाम पैटर्न ईवाई प्रिपरेशन, आपको मेरे लेटेस्ट वाले वीडियो सबसे पहले यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है चलिए बात करते हैं। लोकेशन रहने वाला कोची का प्राइमरी लोकेशन है और जो पब्लिश किया गया 9 अक्टूबर को। नीचे आते हैं गाइस तो देख सकते हो एसोसिएट सीआरएम ऑपरेशन द अपॉर्चुनिटी वगैरह भी बता दिया गया है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स फॉर सक्सेस। फ्रेशर्स कैन बी कंसिडर फॉर दिस रोल, गुड रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश सब होना चाहिए, स्पोकन इंग्लिश इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, एबिलिटी टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंशियली इंटीग्रिटी। और यहाँ पर बता दो फ्रेंड ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम प्रीफर्ड बीकॉम बीबीए एमकॉम एमबीए वाले। एक्सपर्टीज इन एमएस ऑफिस टूल लाइक एक्सेल पावर पॉइंट एंड वर्ड एनी अदर क्वालिफिकेशन विद रिलेवेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ओवरऑल एक्सपीरियंस 0 to 6 months फॉर रिसर्च एनालिसिस रोल। दिस इज अ हाइब्रिड रोल, मतलब आपको 3 दिन ऑफिस 2 दिन ऑफिस या 3 दिन ऑफिस 2 दिन घर ऐसे आप लोग काम कर सकते हो, हाइब्रिड होने वाला है। व्हाट वी लुकिंग फॉर, ये इनका क्या रिक्रूटमेंट है आप लोग देख लेना। ठीक है और अप्लाई करना काफी सिंपल है, आप लोग देखोगे तो ये नीचे में आपको मिलेगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन। इफ यू वांट यू कैन अप्लाई फ्रॉम लिंक्डइन और एल्स यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फ्रॉम देयर करियर साइट। आप लोग जिस पे भी कंफर्टेबल हो आप लोग उसके अकॉर्डिंग जाके अप्लाई कर सकते हो। आप जो है क्रिएट अलर्ट भी कर सकते हो, जब इनके पास कोई ओपनिंग आएगी तो आपके पास एक प्रॉपर मेल भी आएगा, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग भी देख लेना, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से जॉब को मैं सब लोगों को भी दे पाता हूँ, क्योंकि मैंने अलर्ट वगैरह बना रखा है हर कंपनी का, तो मेरे पास मेल पहले आ जाता है। ठीक है सेकेंड बात करते हैं आप लोग के लिए ओरेकल की हायरिंग है, काफी अच्छी रिक्रूटमेंट है फॉर द रोल ऑफ स्टूडेंट एंड इंटर्न की रिक्रूटमेंट है। ऑल रोल्स की ओपनिंग है, ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 2 और ये आप लोग के लिए वन ऑफ द बेस्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो जरूर चेकआउट करना गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं आप लोग के लिए पर पीडब्ल्यूसी की रिक्रूटमेंट है, सेंट्रल प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएट 25 की रिक्रूटमेंट है। ऑन साइट होने वाला है, फुल टाइम का जॉब है, इंटर लेवल का, अंतरप्रदेश का लोकेशन रहने वाला है, और यहाँ पर आप लोग डिटेल्स वगैरह भी आप लोग यहाँ से चेकआउट कर लेना। लास्ट बट नॉट द लिस्ट हियर इज फॉर सेल हायरिंग फॉर सेल ग्रेजुएट प्रोग्राम 25 इंडिया। ठीक है और गुड़गांव लोकेशन होने वाला है, ऑन साइट का जॉब है, फुल टाइम का, और यहाँ पर भी आपका कुछ स्किल्स बताया गया है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो अप्लाई करना चाहते हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू अपडेट रिज्यूम बिफोर अप्लाई, डायरेक्टली मत अप्लाई करना। रिज्यूम में क्या क्या मेंशन करना है सर, तो यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्किल्स मिलेगा, ये जो भी स्किल्स का आस्किंग है इसको मेक श्योर करना आपका रिज्यूम में एड होना चाहिए, तभी आपका वो लोग प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर फर्दर राउंड, तो आप लोग जरूर अपडेट करना। इसमें भी सेम है, पीडब्ल्यूसी भी देखोगे तो यहाँ पर आपको स्किल्स सेक्शन मिलेगा, जैसे आप लोग यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ पर कुछ स्किल्स रिक्रूटमेंट है, इसको आप लोग जरूर एड कर लेना या फिर अपने रिज्यूम में एड करना, कॉपी कर लेके। ठीक है और थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर लेना गूगल करके, डायरेक्टली मत अप्लाई करना। सो अप्लाई करना, सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।